Welcome back to my channel. So today we are in Goa and I'm so excited. आज हम लोग 8 महीने के बाद हमने ट्रैवल किया है. जी मम्मा, सो गए मेरे बाल. 8 महीनों के बाद हमने ट्रैवल किया है आज. और एयरपोर्ट पे चीज़ें इतनी चेंज थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ. जो भी जो चेंजेस हुए हैं वो अच्छा ही है. बट यहाँ पर आने के बाद इतना लंबा प्रोसेस था. मम्मी ने सूटकेस सबको धोया है तो मैंने तब व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया अपना, बिकॉज़ मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं हर बार फ़ोन निकाल के बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी. तो अब यहाँ से आप देखेंगे, हम 1 हफ्ता गोवा में रुकने वाले हैं और अब आप देखेंगे कि हम क्या क्या करते हैं. बाय. पाँच बजने वाला है और अब तक के मैंने कुछ भी नहीं खाया है. मुझे बहुत भूख लग रही है. 12:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हमें 10 बजे घर से निकलना था. 2 घंटे पहले पहुंचना था एयरपोर्ट और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है बिकॉज मैंने नाश्ता भी नहीं किया. जल्दी करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे. इतने महीनों के बाद ट्रैवल करने के बाद वी आर नॉट प्लानिंग टू डू एनीथिंग टुडे बिकॉज सब बहुत थक गए. मम्मी को इतनी नींद आ रही है और डैडी तो रूम के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. और ऑनेस्टली मुझे भी नींद आ रही है. और अनम को आ रही नहीं अभी भी? नहीं, नहीं आ रही आपको नींद? नहीं. आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? से हाय. हाय, हाउ आर यू? आई एम अनम. Fine. No, I am Anam. I'm fine. And you're fine. How sweet. चलिए वहाँ. तो शायद ही अब हम कल मिलते हैं गाइज, या उससे पहले मिले तो अच्छी बात है. इसका मतलब ये होगा कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं. हमें कॉफी राइड आएगा. हाय डैडी. हाय. आप क्यों अकेले अकेले हैं? हम लोग के साथ नहीं है. तो हम लोग खालू को लालू बोलते हैं और खाला को लाला. हाँ, लाला की बात कर रहा हूँ. अनम हाय. हाय. अनम को बोला. अनम को बोला. ये अभी मुंह खुला के बैठे थे साहब कि आप मेरे साथ बैठ नहीं रही हो ना मुझसे बात कर रही. मम्मी नमाज पढ़ रही है. कोई मुझे नहीं अपने पास बैठाता है, मुझे भगा दिया जाता है. मैंने कहा था मैं तो अब मैं शूट करूँगा. ओके, पॉज किया जाए. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अ डे 2 फॉर अस एंड आज हम लोग घूमने जाएंगे होपफुली. बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज एवरीबडी इज लाइकिंग इट हियर सो मच दैट एवरीवन इज लाइक लेट्स जस्ट बी हियर एंड चिल एंड आई एम लाइक नो लेट्स गो आउट एंड चिल. हाय गाइज, सो इट्स 1:54. It's almost 2 and I'm getting ready now. I'm sorry there is no proper setup and nobody's gonna come and make a video for me because everybody's in the pool down and here I'm getting ready. I'm the first one to get ready because I have to get ready and then go make a video for a product. फिलहाल मैंने नाश्ता, इसके पहले मैंने नाश्ता किया और फिर मैं नहाई. फिर मैंने शुक्राना पढ़ी बिकॉज़ हम लोग बहुत डर रहे थे फ्लाइट से इतना टाइम बाद ट्रैवल करने से और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पहुंच गए. और अब मैं तैयार हो रही हूँ. क्या करना था अभी? सॉरी मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, काम कंप्लीट करना है. क्योंकि पता है काम रहता है ना कि आपको ये करना है, काम जो है फिर आपका दिमाग कहीं और लगता नहीं है. और एक तो स्क्रिप्ट भी इतनी बड़ी है, याद करने में भी तो टाइम जाएगा. फटाफट क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे काम की वजह से और लोगों को वेट करना पड़े या उनको लेट हो बाहर जाने के लिए. सो आई गेट रेडी फटाफट गाइस. बाय. हम डैडी की चाय बना रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आप लोगों को पता है डैडी मेरे हाथ की चाय पीते हैं. और मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं इस टाइम, पता नहीं क्यों बहुत पैर दुख रहा है मेरा. और
और मेरे पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओह, और बस एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो ये कि मम्मी डैडी मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने थे, मुझे थम्स अप पीना है। हाय, तो अब हम लोग कहीं जा रहे हैं, उस जगह का कोई नाम नहीं है और ना हमें नाम बताया जा रहा है, जो कि उस जगह का कोई नाम है ही नहीं। और मैं गाड़ी में एकदम पीछा के बैठ गई हूँ, मेरे पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, मैं क्यों आई हूँ मुझे पता नहीं। मैं एक्चुअली कंपनी देने आई थी आपको, ठीक है, इनको कंपनी देने आई थी और एन को भी कंपनी देने आई थी, वो कंपनी दे दी है और अब मेरे पैर सीधे नहीं हो रहे, तकलीफ में दे रही है लेकिन दे रही है। और अब भूख लग रही है और अब हम खाएंगे पिज्जा एक साल के बाद। ब्रेड ही तो खाए हो सुबह, फिर क्यों नहीं खा रहे? ये है अति सुंदर जगह, वाओ क्या हवा है, बहुत कूल। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? ऑसम लग रहा है। आगे कितने स्टेटस बन गए? मैं आज मुझे मॉरिशस याद आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हाँ पानी देखिए। डैडी आपको कैसा लग रहा है इतने महीनों के बाद? हाँ, इतने महीनों के बाद मतलब लग रहा है कि जैसे कि जमाना बीत गया बाहर निकल करके। जमाना बीत गया। हाँ, मुझे पॉज किया था, मुझे खाने नहीं दिया था, तो इसकी वजह से मेरे कैप में पिज्जा लग गया। इसलिए यार पॉज ही रहेगा। चलो बेटा बाय 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 बाय। और ये हूँ मैं और मेरे डैडी जो कि चाय पी रहे हैं, जब से हम लोग आए हैं डैडी की दूसरी चाय, दूसरी ही है बेटा, सुबह से ही दूसरी है, तीसरी है। हाँ, वही तो मैंने बनाई थी, वो तो मैं गिनूंगी। यार मेरे को इसकी आउट है, नहीं चाहिए स्किप करूँ क्या? एक एक बार में ऐसा संभाल रहा है, स्किप नहीं। मेरा ब्लॉग है ना, पॉज, चुप रहो, पॉज। अरे मेरा ब्लॉग है, हर वक्त बताओ मेरा फोन है ना, वो आजकल तो बच्चे मेरा तेरा करने लग गए हैं। हाँ देख लो, अच्छा मैं कल की बच्ची हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा है इनके कर्ज होने से। क्यों? बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी, बहुत ही स्वीट है, मतलब जो बच्चों को आजकल देखता हूँ मुझे तो मुझे उस बच्चा गिनती में जन्नत नहीं आती है, क्योंकि इनको समझाते रहो कहते रहो सुनते ही नहीं है। अयान भी है। हाँ, जिसमें अयान भी है। और ये इनको मेरा ख्याल शायद कहने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको खुद से लग जाता है कि हाँ ये नहीं सही है या ये इनके जोन का आइटम ही नहीं है। करो ना, भागो ना जाकर के एक आध घंटा पर। क्योंकि मतलब ये दो बच्चे देखो, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, इससे मैं 16 साल बड़ी हूँ और इससे मैं 6 साल बड़ी और इससे मैं 16 साल बड़ी हूँ। बाप रे अनम, मुझे कितनी छोटी हो, मैंने आपको गोदी में खिलाया है। हाँ, और ये मुझे 10 साल छोटी और सूची से उनकी से प्यास और दो कलर का तो चैलेंज करना क्या क्या बोला आपने? प्यास चैलेंज दो करेगा तो क्या बोल रही है, समझा क्या बोला आपने बाबू? ब्लॉग बनाओगे? ब्लॉग बना रही हूँ ना बाबू।
आपको सब लोग देख रहे हैं व्लॉग में, सबको बोल दो आई लव यू ऑल, लव यू, और फ्लाइंग किस दे दीजिए। अरे फ्लाइंग किस हाथ भी तो यूज करिए। ओके बोलिए बाय, सी यू टुमारो, बाय, सी यू टुमारो। अब देखना, बाय गाइस, डे टू इज ओवर, डे थ्री में मिलते हैं अब आपसे, बाय बाय। यूट्यूब वीडियो फॉर समथिंग एंड क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक सो 3:15 बज रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पूल में जाऊँ या नहीं जाऊँ, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन सब लोग तो चले गए, लेकिन मैं तैयार हो चुकी हूँ, फालतू में दोबारा से तैयार होना पड़ेगा। अरे आई थिंक इफ आई शुड गो, हेलो क्यूटी, चलो क्या बोलूँ मैं। आज एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और आज धूप धूप निकली है, इसलिए आज सब लोग कूद पड़े हैं पानी में, कूद पड़े हैं डर डर के। डैडी तो आई नहीं, उनको बहुत डर है क्योंकि पानी ठंडा है, कोई गई नहीं, किसी को भी तबीयत खराब नहीं करनी है, गाड़ी में बीड़ी को ले जाने से डर। व्हाट आर यू डूइंग, अरे आपने मुझे बोला मेरे साथ वीडियो बनाओ और चली गई मुड़ के। मम्मी ये क्या है, अभी आपने बोला मेरे साथ वीडियो बनाओ और चली गई, मेरी स्मॉल बेबी, हाँ छोटू बच्चे के मम्मा ट्यूब में, हाँ अरे मम्मी यू कैन स्टैंड आल्सो, व्हाट आर यू डूइंग। मेरी आग बहुत जल रही है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैंने लेंस लगाया था, लेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, क्यों जल रही है मेरी आँख, मेरी आँख बहुत जल रही है ये वाली, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, 6 बज गए, मैंने लंच नहीं किया है, मम्मा मुझे मैगी दे रही है क्योंकि शायद इन्होंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, मुझे बहुत भूख लग गया। मम्मा मुझे चिकन नगेट्स दे रही है खाने के लिए, और फिर हमें बाबी क्यों करना है आज रात में, तो हम लोग कोयला लेने जा रहे हैं और उसके बाद हम घर आएंगे और हम बाबी क्यों करेंगे। तो मैं बाहर गई तो थी थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग करने और बाबी क्यों का सामान लेने, बट मैं गाड़ी से ही नहीं उतर पाई, वेरी सैड। पर यहाँ पे अभी मैं आई हूँ फिलहाल डेरी की चाय बनाने, ये डाला मुझे वो दो ना, इसका दूसरा वाला चाय का, बहुत मुश्किल से आज हम लोगों को कोयला मिला है, कहीं मिल नहीं रहा था, आज नहीं 2 दिन से नहीं मिल रहा था, हाँ कल भी नहीं मिला था और आज बहुत मुश्किल से मिला है, और वो भी लास्ट के सिर्फ 2 ही पैकेट बचे थे जो हमें लकीली मिल गए। साढ़े 11 ही हो रहा है लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं कब से यहाँ पे लेटी हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही है पता है, क्योंकि पता है चिकन ना उन्होंने चिकन को मैरिनेट करके नहीं रखा था बाबू के लिए,
सिर्फ प्रॉन्स और फिश रखा था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रॉन खाया। फिर KFC से चिकन पॉपकॉर्न मंगवाया लेकिन KFC बंद हो गया। अभी मम्मा पूछ रही खिचड़ी बना के दो क्या। आई एम सो स्लीपी एंड आई एम हंग्री ऑल्सो। मेरी आवाज़ भारी हो गई है क्या? क्या करूँ। Hi guys, good morning. I am so happy today. Today we hit 20 million on Instagram and it's such a beautiful morning. अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करने और अभी मैं अपने नाइट ड्रेस में ही हूँ guys. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्या बोलना था मुझे? हाँ, क्या बोलूँ, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। डैडी, मेरे 20 मिलियन हो गए, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत सफल लग रहा है तुम्हारे को बेटा। क्या बताऊँ, इतनी छोटी सी नन्ही सी एज में 20 मिलियन बनाना, इट्स नॉट अ जोक। और जिस तरीके से हमने अपना इंस्टा हैंडल करा और अपने फैंस को हैंडल करा है, बहुत तारीफ के लायक बात है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे लिए कपड़ा लेने क्योंकि मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने कुछ भी रखा नहीं है। मैं पता नहीं क्यों सब इतने ज्यादा कैजुअल कपड़े रख के लाई हूँ कि अब डैडी को शॉपिंग ले जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बीच पर जहाँ पर 20 मिलियन का सेलिब्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा सेटअप करना है, डेकोर करवाना है, जो कि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 3 बज चुका है और हमें पहुँचने में 1 घंटा लगेगा और वहाँ पे जाके सेटअप होगा और ये सब सिर्फ डे लाइट में अच्छा लगेगा। तब तक डे लाइट चली जाएगी, इसलिए हमने सोचा है कि आज हम जाएंगे और सिर्फ सेटअप करवाएंगे, है ना, और कल हम जाके वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। पता नहीं क्या सोच के आज मैं जीन्स पहन के आई हूँ और बिल्कुल भी नहीं सोच सकते पानी के अंदर जाने का, थोड़ा सा भी क्या यार। ओ इसका कलर थोड़ा अलग ही वाइब है ना, इतना ग्रे ग्रे है। कितने टाइम के बाद मैं बीच पे आई हूँ, कितने ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद आई हूँ। आज ब्लू है पानी की जगह जाना होना चाहिए था, आज ग्रे है पानी और ये बहुत अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, थोड़ा डरावना सा लग रहा है। आई डिड नॉट लाइक दिस प्लेस एट ऑल। और सेलिब्रेट करने के लिए 20 मिलियन, तो यू सी इट गिव्स यू सम डिफरेंट हॉरर वाइब। नो, अ बिग नो टू दिस प्लेस, वी कैन नॉट प्लान एनीथिंग ओवर हियर। वी आर एक्चुअली प्लानिंग के बैम्बूज वगैरह लगा के, यू नो, विल सेट अप समथिंग एंड उस पर यू कैन कट द केक एंड स्टफ लाइक दैट, बट नहीं। और ऑल्सो क्योंकि बारिश हो रही है तो अगर हमने प्लान कर लिया कि हम कल कर रहे हैं और सब अगर रेडी होने के बाद बारिश हो गई तो सब पानी में मिल जाएगी मेहनत, सो वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क ऑल्सो, सो विल सी समथिंग एल्स। गाइज, ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन करवाया है 20 मिलियन के लिए, आई एम लविंग इट। और उन्होंने बहुत जल्दी से डेकोरेशन किया, जितने देर हम बाहर गए थे देखने के लिए। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब लिपस्टिक। कौन से कलर की लिपस्टिक? पिंक। पिंक कलर? हाँ। अच्छा ठीक है। और मेरे जैसे ये भी चाहिए आपको ये? हाँ। हाँ नहीं बोलते बाबू जी? जी। सॉरी जी। दिखाओ फेस, शो, दिखाइए फेस, ऊपर करिए।
होती है। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना, देखा अच्छा लग रहा है। हाँ बोला जी जी। लिपस्टिक आ Hi, so I'm ready to cut the cake and here is my dad जिन्होंने चेंज नहीं किया। यहाँ से देखो पहले। Okay. I like the view. You do? Yeah. You're my best view. Me. I like the view. ये सब मैं बना चुकी हूँ। जन्नतियन का केक 20 million। सो लेट्स जन्नत, आपको केक कैसा लगा? चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है और मैं अपने बर्थडे से बहुत खुश हो रही हूँ। ये मैं सोच रही थी कि के साथ ऐसे फोटो ले। ये बहुत अच्छा एंगल है। आया ना जो जन्नत। Hey guys, तो ये पूरे मैंने पूरा एक दिन जो है शूट नहीं किया, तो ये एक पूरे दिन के बाद का शूट है। मैंने कल कुछ भी नहीं किया शूट और आज मैं शूट कर रही हूँ डोनट्स। ये मम्मा एक्चुअली लाई थी और मैं भूल गई एक्चुअली इसको खाना। ये अयान के 1 million सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये सेटअप करवा रहे हैं और अभी फ़िलहाल कोई नहीं है घर में, मैं अयान और लाला है बस। बहुत अच्छा है, मैं खा के बनाती हूँ। ये अयान जुबैर रहमान जी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हो बेटा? पता नहीं ना, अभी तो मुझे पता नहीं। अयान उसके बीच में मत बैठो, देखो वैसे बेंड हो रहा है। बस एन गिर गिर मत जाना पानी के अंदर। अयान तो ये अयान के 1 million के लिए हुआ है ये सब। हाँ ये डेकोरेशन आप मत डालिए। मैं डाल क्यों नहीं सकती, सब डालूंगी। नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? आज कोयले ने जलने में बहुत टाइम लगाया है। अयान की बोट क्यों नहीं लो? तो मेरे में भी जाएगा। ये मेरी मम्मा की कमेंट्री आते हुए। हाँ बेटे। ये क्या बात होती है? तेरा मेरा भाई जो बोल रहा है आप अपने ब्लॉग के लिए ये सब कुछ मत शूट करिए, ये सब मैं शूट करूँगा। और ये हो रहा है बारबेक्यू। तो आज हमारे जाने का दिन आ गया है और मेरे बाल कितने बुरे लग रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर। तो हम लोग को एक हफ्ता हो गया यहाँ पे। पिछले 3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग का वीडियो शूट इसीलिए नहीं किया अच्छे से, क्योंकि हम लोग सिर्फ घर में थे, हमें बाहर मज़ा नहीं आ रहा था, सिर्फ घर में मज़ा आ रहा था। तो हम क्या ही जाने में भी मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहे हैं। मुझे अपने घर वापस आने। तो हम लोग ये मिला को बहुत मिस करने वाले। ये बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा है, हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा है। और ये देखिए कलाकारी, ये वोक ये हम क्योंकि ये निकल नहीं रहा था स्टिक से चिकन, तो बारबेक्यू स्टाइल के हिसाब से हमने ये मोड़ दिया ताकि ये इजीली चिकन निकल सके। हाँ
सुंदर सुंदर। और मैंने पता है कब से सोचा हुआ था कि मैं यहाँ से ना एक वीडियो लूँगी यहाँ पे बैठ के, और वो हो ही नहीं पाया। चलो मैं अभी ले लेती हूँ। खैर